आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना के साथ जय आदिनाथ जय वंदे मातरम कहते हुए हम आज प्रवचन को जहां कल छोड़ा था वहां से शुरू कर रहे हैं। कल मैं बता रहा था सबको कि सभी ग्रहों को पुरुष कहते हुए भी पृथ्वी को माता इसलिए कहते हैं, हम पृथ्वी के गर्भ में रहते हैं, पृथ्वी वासी हैं, उसके गोद में हम जीवन चलाते हैं। तो जो पेट में रखती है वो पुरुष कभी नहीं हो सकता। कोई एकादे हुए हैं ऐसे महाभारत में ही, जो पुरुष था उसके पेट से बच्चे हुए। ये कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपको कभी पता नहीं होगा कि महाभारत में ऐसा भी एक व्यक्ति था जो पुरुष था और उसके पेट से बच्चे हुए, वो हम बाद में देखेंगे। अभी ये विषय बदलता है तो बहुत सारे बदल जाएंगे, इसलिए अब हम यही बात को अब आगे लेते हुए चलेंगे कि ऐसी पृथ्वी माँ जिसने हमको रहने स्थान दिया, ये भारत माता, दूसरे देशों से हमारे देश में क्या फर्क है महाराज? फर्क ये नहीं है कि हम पूजा करते हैं, फर्क नहीं है कि यहाँ मंदिर जाते हैं, वहां चर्च है, मस्जिद है, ये फर्क नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी देश हो, उन देशों में गायों को, घोड़ों को, सुअरों को तब पाला जाता है जब उनको काटना होता है, समझे ना? वो काटने के लिए पालते हैं और हम पालने के लिए पालते हैं, ये सिर्फ भारत देश की है। और कोई देश में आप बता नहीं सकते कि महाराज यहाँ गाय पाल रहे हैं, वहां सब बड़े बड़े डेयरी होते हैं, कौ का फॉर्म होता है, गायों का फॉर्म जिसको कहते हैं, गायों का शाला होता है, घोड़ों का शाला होता है, किस लिए महाराज पाल रहे हो? पूछे तो बोले कि अच्छे से पल जाए, बड़े हो जाए तो काटने भेजूंगा। काटने के लिए पाले वो सभी विश्व के सभी देश, एक भी देश ऐसा बचा नहीं भारत के सिवाय, और कटने जाने वाले को भी बचा के लाए वो भारत देश के। मेरे को गलती होनी नहीं चाहिए, भारत देश यहाँ दया और प्रेम है। अब कम पड़ गया आप में तो सुधारने के लिए गुरु महाराज प्रवचन दे रहे हैं कि अगर देखो डॉक्टर के पास जाते हो भाई, कह रहे हो कि विटामिन कम है, डॉक्टर ने चेक किया भाई विटामिन कम है, B12 कम है, D3 कम है, तो डॉक्टर क्या करता है, B12 D3 का इंजेक्शन देता है कि नहीं? कपड़े फट गए, दर्जी के पास जाते हो कपड़े सिलाते हो, नया पहनते हो कि नहीं? आयुर्वेदिक दवाई के पास जाते हो, भाई आजकल मेरे को तीजरा बुखार आता है, तीजरा यानी हर 3 दिन में बुखार, तीजरा बुखार। आज आपको इसी माध्यम से देखो, प्रवचन से हटके बात बोल रहा हूँ, लेकिन आपको एक खास बात बोल देता हूँ, कुछ ऐसे मंत्र होते हैं, आप खास इसको ध्यान रखिएगा, हम जो पूजा करते हैं ना ये उपासना है। क्या है? उपासना अलग होती है, ईश्वर को पाना उपासना। उपासना शब्द का अर्थ है उपासन, उपासन यानी प्रभु आसन बैठ के वह उपनयन, जनेऊ पहनते हैं उसको उपनयन कहते हैं ना, तो आपने उपासना शब्द का अर्थ नहीं समझा होगा। उपासना यानी उपासन, प्रभु तू आसन लगा के जहां बैठा है उसके पास में मेरा छोटा आसन लग जाए, इसलिए जो साधना करता हूं वो उपासना है। उपासना यानी क्या? तेरे पास मुझे एक आसन मिल जाए, ये उपासना। लेकिन आपको बता दूं कि आप लोगों में, खास एक बात बता दूं कि आप लोगों में कहीं कहीं कभी कभी रसोई करते समय कुछ जल जाता है, जिंदगी भर वो निशान रहता, भले ही वो घाव सूख गया, आप पूछे कोई ये काला क्या है, 20 साल पहले कुछ जल गया था, समझे? दूसरी बात, किसी किसी को एक्सीडेंट में चोट पहुंचता है जो जिंदगी भर हाथ टेढ़ा रहता है या पैर टेढ़ा, ये एक बीमारी। तीसरी बात, किसी किसी को अपने शरीर की प्रकृति के हिसाब से खान पान का उनको परहेज नहीं रहता, विवेक नहीं रहता, दूध कब पीते हैं रात में, छाछ कब पीते हैं शाम में, इन सबको घुटने दर्द और बात की बीमारी आती है। जितने आपको घुटने दर्द और शरीर का दर्द आ रहा है तो समझना कि आपने खान पीन का ज्ञान नहीं सही ढंग से लिया। मनुष्य ने सभी के लिए शरीर एक सिर का 2 हाथ 2 पैर वाला बनाया है, तो भगवान ने सभी के लिए आरोग्य रूपी एक दिव्य उपहार भी दिया है। अगर आप बिगड़ रहे हो तो आपके बुद्धि से बिगड़ रहे हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिसका हाथ जल गया हो, जिसको चोट पहुंच गई हो, कोई चोट पहुंच जाता ना, कभी गिर जाते, कभी
पिसल जाते, चोट पहुंचता, किसी को एक्सीडेंट हो गया हो, किसी को कोई कारण से शरीर में ये घुटना दर्द, कई लोगों को कमर दर्द, कई लोगों को मनी घिस जाता है, तो मंत्र शास्त्र में ऐसा एक पठित सिद्ध मंत्र होता है, आप सबको ये खास बताऊं कि उन मंत्रों का ज्ञान आपको होना चाहिए। मनुष्य समाज को निरंतर गणपति पूजा, शिव पूजा, महावीर पूजा, बुद्ध पूजा सब आता है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि कुछ मंत्र ऐसे हैं उसको बोलने के लिए आपको 1,25,000 सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको ऐसा चोट पहुंच गया, जल गया, तो ऐसे मंत्र होते हैं, क्योंकि हम उन सबको जानते हैं तब ये बात कहते हैं कि ऐसे मंत्र होते हैं कि कोई भी आदमी जिसने कभी ईश्वर की भक्ति नहीं की हो, कोई मंत्र का समत नहीं हो, वो आदमी भी 3 बार उस मंत्र को बोल के सरसों का तेल उधर लगा दें तो 20 साल से जो गांव का निशान बना है 3 दिन के अंदर अपने आप नया चमड़ा उसके ऊपर। वो नहीं चल रहा है कि मंत्र की क्या शक्ति है, फिर भी मुझे याद आया ये बात कि भाई हम आंख में पट्टी बांध के जब कांधारी खड़ी हुई और दुर्योधन को कह रही है कि दुर्योधन देख कृष्ण उस तरफ है, तेरे पास कृष्ण का दिया हुआ बड़ा सेना है, लेकिन ध्यान रख कितनी भी बड़ी सेना हो, सेना को जिसने दिया उससे सेना बड़ी नहीं हो सकती। आज हम लोग भारत में मोदी जी की प्रशंसा करते हैं, संत लोग तारीफ करते हैं, तो कई लोग पूछते हैं कि वो हिमालय में जाके बैठ जाते हैं, बद्रीनाथ में जाके, केदारनाथ में बैठ जाते हैं गुफाओं में और तिलक लगा लेते हैं, इसलिए आप संत लोग मोदी जी को मानते हो। मैं उन मूर्खों को कहता हूं, अभी जैसे कहा कि सेना देने वाले से सेना बड़ी नहीं होती, आज इन 7-8 सालों में भारत की सेना शक्ति कितनी बढ़ गई। अभी देखो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है, इसमें तकलीफ उसको आएगी जिसके पास सेना के वीर और अस्त्र शस्त्र में कमी होगी, मानते हो कि नहीं? तो भारत में आपको लग रहा है कि भाई नोट का वो बदलाव हो गया, GST आ गई, पेट्रोल महंगा हो गया, मूर्खों इन दिनों में जितने 1,000 करोड़ रुपया में मोदी जी ने अस्त्र शस्त्र खरीद करके विभिन्न मिसाइल और दूसरे जितने भी युद्ध की रक्षा के जरूरत वस्तुओं को खरीद करके भारत को जितना रक्षा किया उसमें 100 में 1 भाग भी स्वतंत्रता के 70 वर्ष में नहीं रहा, इतना मजबूत हो गया। मोदी जी जैसे कितने प्रधानमंत्री आवे ना, संतों का उसका कोई मायना नहीं होता, संत संत होता है, उसको किसी की चापलूसी करने की नौबत नहीं आती, और चापलूसी करता है वो संत नहीं हो सकता, लेकिन जो देश की रक्षा और सुरक्षा को मजबूत करते हैं और इस देश की सभी प्रकार की समृद्धि की चिंता करते हैं उन व्यक्तियों से हम आराम की नींद सो सकते हैं, ये गारंटी है। और जो आराम का नींद देता है उसका हमको प्रशंसा करने का भाव आना ही चाहिए। ये आप पूरे दुनिया में कहीं भी युद्ध हो भारत को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसे सक्षम होते जा रहे हैं ना, सक्षम हुए हैं, ये अलग बात है। अब दुर्योधन माँ को कहता, माँ मुझे विजय प्राप्त करना, किसी बहाने से युद्ध छिड़ गई। माँ कहती, अरे वो कृष्ण आया था, 5 सुई मांगा था, जितना जगह, कितना जगह, 5 सुई का नोक लगे उतनी जगह दे दे, हम समझौता कर लेंगे। कृष्ण ने वो भी कह दिया, समझौता करने दूत बन के आए थे, कह दिया कि 5 सुई जितनी जगह दे हम छोपाई छोड़ देंगे लड़ाई, तैयार नहीं मेरे जिद्दी। आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में कभी कोई दुख आया है तो उसके पहले की बातों को याद करोगे तो उस दुख का कारण आपका जिद्दी होगा। आप देखिएगा कोई ना कोई दुख आ रहा है, कहीं ना कहीं आपने नकारा किया होगा कि लेना नहीं है, देना नहीं है, करने नहीं दूंगा, ऐसे होने नहीं दूंगा, आपकी जिद्दी ही दुख का कारण है। अगर किसी के साथ आप थोड़े से यूं एडजस्टमेंट कर लेते हो, क्या समझौता, क्या समझौता, हाँ जो समझू है वो समझौता करता है, आधा टेढ़ा है वो एडजस्टमेंट भी नहीं करता, समझ रहे हो? तो आप देख लो ये बात कि जिसको समझ आ गया है वो समझ के चलता है।
घर में क्लेश क्यों होता है महाराज आप बताइए, घर में क्लेश क्यों हो रहा है? पत्नी ने बोला कि ये करना है, पति ने ना बोल दिया, उस दिन से घर में पूरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हुआ औरत ही पूरी की तरह फूली हुई जिनसे औरत ही फूली हुई है, कोई अलग पूरी बनाने का क्या काम। और पति ने कुछ कहा और पत्नी ना बोल दी, उस दिन से घर में क्लेश चालू है। दो ही ईगो, क्या बोलते हैं ईगो, ईगो में एक शब्द है गो, वो गो कहता है कि अगर ईगो को गो कर देगा तो जो गो कहता वो सब कम होने लगेगा अपने आप, समझ रहे हो? जो जो चीजें आपके पास नहीं है और कम होना है तो ईगो को गो कहना पड़ेगा। अगर ईगो को गो कर देते हो तो नथिंग विल बी बिकम समथिंग, कुछ भी जो नहीं है वो सब कुछ में बदल जाएगा, तो ये अलग बात है। अब दुर्योधन माँ को कहते हैं, माँ मैं तेरा बेटा हूं जैसा भी हूं, माँ बच्चों की जा होती है, मैं देखता हूं एक कुत्ता अपने बच्चे को कई डेढ़ घंटे तक चाटता खड़ा है, पिल्ले को, तो मैं सोचा कि इसको इतनी बुद्धि किसने दी, बाकी इस कुत्ते को बोलने बोलो हिंदी में बोलेगा, हाँ इस कुत्ते को एम्ब्रॉयडरी करने बोलो करेगा, ये कुत्ते को बोलो के पास्ता बना के अपने बच्चों को खिला खिला पाएगा। दुनिया में अलग अलग गुण अलग अलग जीवों में है, ममता जीव राशि के लिए समस्त जीव राशियों के लिए समान गुण है, ममता एक गुण है, क्या गुण है? ममता सभी जीव राशि में है, कोई ऐसा जीव राशि नहीं, आप एक जीव राशि को जाके उसके बच्चे को छेड़ो, वो कमजोर जीव राशि हो आपको काटने आएगा, उसको मालूम है मैं कमजोर हूं, लेकिन बच्चों के लिए जान देने भी हाजिर है। आप YouTube में देख सकते हैं ऐसे जीव जो अपने बच्चों को पालने के लिए कहां कहां लड़ने चले जाते हैं। तो कांदारी कहती है, बेटा तू विजयी हो जा, ये मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा भी यही है कि तू जीत जा, कौन मां नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा जीते, ने भले सामने वाला कितना भी नीतिवान हो उसके पास ही न्याय हो, ये सब अलग बात है, न्याय न्यायकर्ताओं के पास होता है। रिश्ते में न्याय देखा जाता है क्या? हमने देखा कि दक्षिण में अभी एक लड़के ने 3 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया, कितने साल की, 3 साल, और मोटरसाइकिल में ले जाके थैली में डाल के उसको जला के भी आ गया। बाद में सोसाइटी वालों को सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद मालूम पड़ा कि बाइक में कोई थैली लेके जा रहा है, वापस आते समय खाली आ रहा है, उस समय वो पकड़ा गया, बाकी तो पकड़ा ही नहीं जाता, क्योंकि उन्हीं बच्चों के साथ हम खेलते हैं, उनके साथ ये व्यवहार करेंगे, कोई सोच भी नहीं सकता ना भाई, तो उसको जला के भी वो वापस आ गया। लेकिन उसके माँ बाप को मालूम है कि ये बच्चा ऐसे छोटी बच्ची के साथ कुकर्म किया और उसको जला के आया, लेकिन उसको बेल से बाहर निकालने के लिए बहुत खर्चा करके पीछे पड़े रहे कि कैसे भी मेरा बच्चा बाहर आना चाहिए, पूरी दुनिया थूक रही है कि ऐसे आदमी को फांसी खिलाना चाहिए, ऐसे लड़के को आप क्या बोलोगे भाई, क्या करना चाहिए? लेकिन माँ बाप उसके पीछे पड़े हुए कि कैसे भी मेरा बच्चा जो है, उसकी माँ को मालूम नहीं है क्या ये क्या काम किया, उसके बाप को मालूम नहीं है क्या क्या काम किया, उसके बाद क्यों इतना जोर से वो उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बताओ आप मुझे बताओ कि क्यों कर रहे हैं वो कोशिश। हाँ, माताओं की पूजा हम इसलिए नहीं करते हैं कि हम पूजा करने योग्य हैं, हम अयोग्य होके भी वो ममता लुटाती है, इसलिए हम माओं की पूजा करते हैं, ध्यान रखिए। माताओं की पूजा नहीं होती कि तू पूजा करने जितना ज्ञान पा लिया भाई, तू पूजा करने जितना योग्य हो गया कि मेरी माँ तुझे नमस्कार धन्यवाद, इसलिए नहीं, हम अयोग्य हैं फिर भी वो ममता लुटाती है। बाकी किसी धंधे में ये नहीं होता, कोई 900 ग्राम माल तोले आप 1 किलो का पैसा दे दोगे? नहीं है? नहीं देंगे। कोई ऊंचा कपड़ा सी दिया उस दर्जी को, भाई आपने कपड़े का माप तो लिया लेकिन आपने देखा कि एक हाथ इधर है नहीं, एक हाथ इधर है, उसको पैसा दोगे? नहीं, नहीं, नहीं देंगे। तो हर धंधे में उसकी योग्यता देखी जाती है, माँ की पूजा में तो वो माँ है इतना ही देखा जाता है कि मेरी माँ है और वो मेरे लिए हर कुछ करती है, माँ की महिमा अनंत, वो मकान अलग करूं क्योंकि उसका कम से कम 1000 प्रवचन करना है, तब वो सब करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि दुर्योधन को उसकी माँ कहती है कि बेटा तेरा विजयी होना है। बोलो दुर्योधन कितना योग्य है बताओ? आपने इस दुनिया में
हर गांव में राम नाम का एक आदमी, भगत राम, चुन्नी राम, मंगल राम, कोई ना कोई एक राम नाम का सुना होगा, कोई ना कोई एक राम हो। अर्जुन भी नाम सुने होंगे कई लोगों के, आजकल अर्जुन तो नाम है ही है। कई आपने नाम सुने होंगे बड़े से बड़े जिन भगतों के, आपने कभी किसी आपके गांव में नहीं, उस राज्य में, इस भारत में किसी का नाम दुर्योधन सुना, कभी सोचा कि दुर्योधन? नाम इसलिए नहीं रखा जाता है कि वो नाम सुनने में अच्छा लगता है, नाम इसलिए रखा जाता है कि उस नाम के पीछे जो आदर्श छुपा है, वो नाम में भी वो शक्ति आदर्श की छुपी हुई है। वो नाम आप में आ जाएगा तो उसका आदर्श भी आ जाएगा। फिर महाराज वो राम नाम रखा हुआ आदमी हमारे गांव में, उसने खोटा काम किया, फिर वो कैसे किया महाराज? उसने नाम रख लिया, उस शक्ति को अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। आप समझ लो, हाथी को आप लेके आते होगा कहीं से खरीद के, लेकिन आपके कोठड़ी में घुसने के लिए दरवाजा नहीं खोलोगे तो क्या होगा? हाथी तो रहेगी लेकिन आपके घर में नहीं रहेगी, गली में रहेगी। राम नाम जितने लोगों ने रख लिया है, उस राम नाम के आदर्श को पाने के लिए उस शक्ति को प्रवेश कराने की हमारे में क्षमता होनी चाहिए। जिसमें वो क्षमता आ गई, वो शक्ति प्रवेश हो गई, वो ही स्वयं राम बन जाएगा। राम में वो ताकत है। दुर्योधन नाम रखा क्या महाराज? आप बताओ, किसी ने दुर्योधन नाम रखा क्या? नहीं। आपने कभी सुना दुर्योधन नाम है? मेरा सगा भाई है, बड़ा भाई, उसका नाम दुर्योधन है। तुम ऐसे निकनेम रख के बुलाओ अलग बात। तुम तो कई बार घर का मामा कोई भी आया आज तक, आप किस किस के मामा है, सगा मामा, वो हाथ उचक माँ का भाई, उसको आप देखो, मैं बोलू तो आप मना नहीं कर सकते हो। एक बार तो पीछे से उसको कंस मामा बोला ही है, अगर नहीं बोला तो बोलते मैं एक बार तो मामा जी को कंस मामा आ गया बोला है कि नहीं, बता दो, आप बताओ। तो पीछे से बुला सकते हैं, लेकिन मामा ही कंस नाम का कोई है तो बताओ, आप बताओ कि मामा ही मेरा कंस नाम का है, ऐसा कोई मामा बताओ। तो पीछे तो आप हजार नाम रख लो, पीछे आप हजार नाम रख लो, सामने नाम वही होंगे जिन नाम में नाम लेने की योग्यता होगी। क्या होगा? नाम लेने की योग्यता नहीं किसी को, पीछे से तो बोलते हैं दुर्योधन है बड़ा, कहते हैं। तो गांधारी कहती है कि देख बेटा, तेरा विजय हो मैं चाहती हूँ, मेरे आंख में एक शक्ति है बेटा, आप भी ध्यान रखना। आप विभिन्न प्रकार के लोग हो जो टीवी चैनल में मेरा ये प्रवचन सुन रहे हो, आपको बता दूं कि आप सफल तब होगे। ये बच्चा बोला मैं पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहा बेटा? मैकेनिकल इंजीनियर। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, लेकिन आपके पास भी जैसे कांधारी के आंखों में कई वर्षों से पट्टी बांधने के कारण एक शक्ति है। आप हर एक में कोई ना कोई एक शक्ति है, वो शक्ति विशेष रूप से लोगों को पटाने की, बोलने की, ज्यादा मेहनत करने की, नींद को छोड़ के जागने की, कम खाने की, ऐसे विभिन्न प्रकार की शक्ति होगी। आप बराबर व्यवस्थित सोचोगे कि मेरे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो किसी के पास नहीं है, आपको 100% वो दिख के आएगा। और उस शक्ति को अगर आप बराबर व्यवस्थित काम में ले लोगे, वो एक ही शक्ति, जैसे माँ एक ही शक्कर को रख के हजारों प्रकार की मिठाई बना देती है, उस सबका शक्कर ही एक आधारभूत तत्व होता है। भाई कोई भी मिठाई बनाओ, आपको पूछो रसगुल्ला बनाओ क्या पड़ेगा महाराज, मैसूर पाक बनाओ क्या पड़ेगा, पेड़ा बनाओ क्या पड़ेगा। तो अभी तो ऐसे लिस्ट निकालो तो केसरिया, बर्फी, कलाकंद, रबड़ी, पेड़ा, इमरती, बालूशाही, लाडू, बुंदिया, जलेबी, मोती पाक, रसमलाई, गुलाब जामुन, शक्करपारा, गेवर, दाल, मोट, पकौड़ी, कचौड़ी, भुजिया, पापड़, चीवड़ो, बड़ी, राबड़ी, साग, सांगरी को, बाजरी को, खींचड़ो, रायता में जीरा को तड़को, आम, अमरुद, अंगूर, अनानास, पनस, अनार, केला, सेब, पपीता, चीकू, संतरा, मौसम्बी, काकड़ी, लाल मतीरा, बादाम, पिस्ता, नोजा, कुरमानी, ऐसे हजारों है। तो आपके पास क्या शक्ति है? आप हर एक के पास एक शक्ति है। चोर जो चोरी करता है ना, उसको रात में भी जगह को बराबर निशाने से साधने की ताकत होती है। अगर ये साधने की ताकत नहीं हो, चोरी नहीं कर सकता। रात में कोई खिटखिट आवे ना दरवाजा, वो तो बराबर उस अंधेरे में बगैर टॉर्च लाइट लगाए ताले का छेद कहाँ है देख लेता है। टॉर्च लाइट लगाएगा तो मालूम पड़ जाएगा बाप आ गया यार, समझ गए ना, अंधेरे में उसको दिखता है।
ध्यान रखना। और बराबर उस छेद में झूठी चाबी डाल के खोल देता है और माल लेके बटोरता है। ऐसे सोचो कि कोई चोर बोले कि मैं आ गया हूँ, दरवाजा खोलिए। कोई चोर बोले कि मैं आ गया हूँ, दरवाजा खोलिए, क्या हो महाराज। तो अब हम कल देखेंगे कि कांदारी ने क्या कहा और कल्याण कैसे होगा, ये हम देख करके जीवन को धन्य करें। सफल हो, मंगल हो। जय माँ पद्मावती।